एक बार जोरदार तालियों के साथ में सेकंड पैनल की शुरुआत करते हैं और आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप सब अपना टाइम निकालकर आ जाए हैं भारत 24 के इस खास कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। पैनल डिस्कशन की शुरुआत करूंगी। सबसे पहला सवाल मेरा रहेगा मिस्टर अजय कुमार सिंह जी से। एडीएम है आप, और जब हम विकास की बात करते हैं, जब हम आगरा की बात करते हैं, तो उसमें आप किस तरीके से योगदान दे रहे हैं? मैडम, आगरा के विकास के संबंध में तमाम परियोजनाएं सरकार की चल रही हैं, जिनमें कुछ मैं बताना चाहूंगा आपको। एक आगरा मेट्रो परियोजना, जिसमें आगरा के लोगों का बहुत सहयोग है, जिसको मैं यहां मंच पर कह भी सकता हूं, और उसमें तमाम हमारी सार्वजनिक संपत्तियां भी डिस्टर्ब हुई हैं, लेकिन ये जो सुविधा मिलने जा रही है, ये आने वाले वर्षों में और एक लंबे समय के लिए बहुत ही कारगर साबित होने जा रही है। इसमें हमारे मंडलायुक्त कार्यालय की भूमि, पीएससी का ग्राउंड, आगरा कॉलेज का ग्राउंड, आरबीएस कॉलेज का ग्राउंड, दो दो जगह, इन संस्थाओं के सहित तमाम और छोटी संस्थाएं और निजी जमीनें लोगों की प्रभावित हुई हैं। लेकिन इससे जो एक आगरा को पहचान मिलेगी, जो एक पर्यटन सिटी है, लगातार विकास कर रहा है, उसमें बहुत ही अच्छा योगदान होगा और एक चार चांद लगेगा, और उसकी एक पार्ट का जल्द ही शुभारंभ भी हो जाएगा, ऐसी आशा है। मैं आपके नेशनल चैनल भारत 24 के माध्यम से बताना चाहूंगा कि विकास का पथ से ही शुरू होता है, तो मैंने एक पथ बताया रेलवे का, जो मेट्रो रेल का। दूसरा हमारा भारतीय रेल की एक कीठम भांडई बाईपास परियोजना है, जिसको चालू हो जाने पर हमारे शहर के जो स्टेशन है उस पर दबाव कम होगा, उस पर बहुत तेजी से काम चल रहा है। सड़क के बारे में बताऊं तो आपका रिंग रोड पूरा होने जा रहा है, जो हमारे आगरा रिंग रोड तीसरा फेज है, उस पर काम चल रहा है बहुत तेजी से, और इसके माध्यम से जो हमारा यमुना एक्सप्रेसवे है, उससे आगरा एक्सप्रेसवे को जोड़ते हुए और जो कानपुर हाईवे है उसको जोड़ते हुए दक्षिणी बाईपास जुड़ जाएगा। दक्षिणी बाईपास से फिर हमारा मथुरा रोड सीधे कनेक्ट हो जाएगा, और शहर का लोड, जो शहर में जाम की स्थिति होती है, उसमें बहुत प्रभाव पड़ेगा। इसके अलावा एक आगरा ग्वालियर नया हाईवे बनने जा रहा है, अभी उस पर सर्वे काम चल रहा है, और ये हाईवे बन जाने से आगरा ग्वालियर सीधे कनेक्ट हो जाएंगे, और एक बिल्कुल अलग ही एक वर्तमान हाईवे के साथ साथ एक पैरेलल नया और अच्छा हाईवे बनके तैयार हो जाएगा। इसके अलावा डेवलपमेंट के बारे में बात करूं मैडम, तो परिवहन के ही क्षेत्र में बात करूं तो सिविल इंक्लेव, जो हमारा एयरपोर्ट है, जो यहाँ की मांग है कि हमारा इंटरनेशनल एयरपोर्ट नहीं है, उसके बारे में बहुत तेजी से काम हो रहा है। किसान भाइयों से वार्ता करके सहमति के आधार पर पहले भी भूमि ली गई, और अभी दूसरे चरण में और भूमि ली जा रही है, तो उसके लिए हम लोगों का नया हाईवे, नया इंक्लेव और नया उसका एयरपोर्ट का नया एंट्रेंस गेट बन जाएगा, जिससे जो हमारा एयरफोर्स के परिसर से अभी हम लोग आते जाते हैं, उससे छुटकारा मिलेगी, और उससे जो दिक्कतें आती हैं, जो आवागमन की और फ्रिक्वेंट हमारे मूवमेंट की, वो समस्या समाप्त होगी। इसके अलावा इंडस्ट्रियल क्षेत्र में देखें तो यूपी सीडा द्वारा एक इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर पर काम किया जा रहा है। लगभग 1000 एकड़ से अधिक भूमि पर वो काम कर रहे हैं, और ये परियोजना लागू हो गई तो उद्योगपतियों के लिए बहुत ही सुविधा होगी और बहुत ही बढ़िया एक इंडस्ट्रियल पार्क बनकर तैयार होगा। यूपीडा द्वारा डिफेंस कॉरिडोर, एक बीजामई गांव है जहां 40 हेक्टेयर लगभग जमीन हम लोग यूपीडा के माध्यम से ले रहे हैं, जिनमें डिफेंस कॉरिडोर, डिफेंस से जुड़ी हुई इंडस्ट्री जाएंगी, और भविष्य में उसका और विस्तार करने की भी यूपीडा की योजना है, उसके लिए भी संभावनाएं देखी जा रही हैं कि उसका विस्तार और कहां हो सकता है। यूपीडा की ही एक एक्सप्रेसवे गलियारा के नाम से लगभग 100 हेक्टेयर जमीन चिन्हित की गई है, उस पर भी जल्दी काम शुरू होने वाला है, उनमें भी वो भी बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट को जमीन अलाट की जाएंगी, और आगरा के लिए एक बहुत ही सुंदर इंडस्ट्रियल हब वहां पे बन जाएगा। ये कुछ महत्वपूर्ण परियोजनाएं थी जो मैंने
आपके चैनल के माध्यम से आप सबके सामने। अच्छा अजय जी, कि हम मैं आगे भी चर्चा करूंगी, आप भी हमारे बीच में पैनल में मौजूद हैं और भी गेस्ट, आपसे मेरा सवाल रहेगा क्योंकि आप अभी बात कर रहे थे रोड्स डेवलपमेंट के बारे में, इंटरसिटी कनेक्टिविटी के ऊपर हाईवेज का डेवलपमेंट आगरा के थ्रू आपके थ्रू किस तरीके से किया जाएगा, आपके नेतृत्व में किस तरीके से किया जाएगा, ये तो आपने बताया, लेकिन क्योंकि मैं कल खुद आगरा आ रही थी तो जब हम सिटी के अंदर एंटर होते हैं तो ट्रैफिक बहुत ज्यादा होता है, तो उस समस्या से निजात पाने के लिए क्या कुछ प्लानिंग की जा रही है? जी मैडम, ये जो मैंने रिंग रोड का बताया, हाईवेज का बताया, ये जब बनने से जो शहर का भीड़ है, जो ट्रैफिक है, वो कम होगा और निश्चित रूप से वो बाहर बाहर जिनको बाहर ही जाना है, जो शहर में कोई काम नहीं केवल पास होने के लिए शहर में इंटर करते हैं, उनको इंटर नहीं करना पड़ेगा तो जाम की स्थिति समाप्त होगी। इसके अलावा भी जो सड़कों का इंटरनल रोड का चौड़ीकरण कहीं हो सकता है, कहीं अतिक्रमण हटाना है, ये सब कार्रवाई भी लगातार विभिन्न संस्थाओं के माध्यम से की जा रही है और ये जाम की स्थिति निश्चित रूप से कम हो जाएगी। जाम की स्थिति कम होगी, खैर देखते हैं जब प्लान्स एग्जीक्यूट होंगे और उसके बाद कितनी समस्या से निजात मिलता है। डॉक्टर हमारे बीच में मौजूद हैं, समीर भाटी, मैं आपसे भी सवाल करूंगी, पहले मैं डॉक्टर समीर भाटी से सवाल करूंगी। डॉक्टर समीर भाटी, जिस तरीके से हम देख रहे हैं कार्डियक अरेस्ट की घटनाएं लगातार बढ़ती जा रही हैं, खासतौर पर हमने अभी खबरें देखी और हमने खुद जनता तक पहुंचाई कि गरबा के दौरान गुजरात में स्पेशली कितने लोगों की कार्डियक अरेस्ट की वजह से मौत हो जाती है, तो क्या कारण है आखिरकार इन सारी घटनाओं के बढ़ने का? बिल्कुल बिल्कुल, देखिए जैसे अभी हमारे स्वास्थ्य मंत्री जी का भी उसमें बयान आया था कि रिसर्च, जैसे आईसीएमआर ने भी अपनी रिसर्च की है, उसके अंदर भी पाया गया है कि पोस्ट कोविड अगर हम देखें तो जो कार्डियक इवेंट्स है, हार्ट अटैक की जो घटनाएं हैं युवाओं के अंदर बढ़ी है। निश्चित तौर पे वो मल्टीफैक्टोरियल, बहुत सारे उसके पीछे कारण है, पर अगर मेजर हम उसमें रीजन देखें निकल कर आता है तो वो निश्चित तौर पे आपकी जीवन शैली है, लाइफस्टाइल, खास तौर पे अगर युवाओं में देखें। देखिए पहले अगर हम लोगों की बात करें, एल्डरली लोग हैं जो 60s में 70s में, तो उनका जब वो अर्ली एज में उनका उस तरह से लाइफस्टाइल, उनकी जीवन शैली उस तरह से नहीं खराब हुई थी जिस तरह से आजकल हमारे छोटे बच्चों की, टीनएजर्स की जो लाइफस्टाइल उस तरह से खराब हो चुकी है। जैसा हम बात करें कि उनका जो स्ट्रेस लेवल है, उनकी जो ईटिंग हैबिट्स है, और भी बहुत तरह की ऐसी फैक्टर्स है जो कहीं ना कहीं उनकी कार्डियक हेल्थ को अफेक्ट कर रही है। जब तक वो 30s या 40s में पहुंचते हैं तो ज़्यादातर हम भी जब स्क्रीनिंग करते हैं तो देखते हैं कि आजकल 30 साल की उम्र में, 40 साल की उम्र में मैक्सिमम जितने भी हमारे यूथ हैं हाइपरटेंसिव मिलेंगे, डायबिटिक मिलेंगे। डायबिटीज़ की जैसे हम बात कर रहे हैं तो हम कैपिटल वैसे बन चुके हैं, स्पेशली प्रदेश में देखें तो यहाँ पर प्री डायबिटिक्स की संख्या काफ़ी ज़्यादा है डायबिटीज से भी, कि प्री डायबिटिक्स हुए हैं जिनको अगले कुछ समय के अंदर डायबिटीज होने की संभावना है काफ़ी ज़्यादा है। तो मेजर जो रिस्क फैक्टर है वो काफ़ी सारे हैं, जिसमें डायबिटीज हो गया, हाइपरटेंशन हो गया, एब्डोमिनल ओबेसिटी हो गया, आपकी ईटिंग हैबिट्स हो गई, स्ट्रेस एक बहुत बड़ा मेजर कारण इसमें निकल कर आ रहा है। तो आई थिंक इन सभी रिस्क फैक्टर जो हम आइडेंटिफाई कर चुके हैं, इन पे करेक्शन करने की जरूरत है, और मैं समझता हूँ काफी बड़े लेवल पे हमें स्क्रीनिंग प्रोग्राम्स चलाते रहना चाहिए ताकि जितना हो सके हम स्क्रीनिंग कर सके और उसमें कुछ चीजें निकलती है उनके ऊपर फर्दर उनको अवेयर करके और चीजों को समय रहते हुए हम पकड़ सकें और इस तरह के इंसिडेंट्स को मिनिमाइज कर सकें। स्क्रीनिंग करना इम्पोर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं, अगले गेस्ट की ओर मैं जाऊंगी। युवराज अमरीश पाल सिंह जी हमारे बीच में मौजूद है, ट्रस्टी हैं आप बलवंत एजुकेशन ग्रुप के, और कई सारे एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स के द्वारा आप एक अच्छा काम कर रहे हैं, तो ये सोच कहां से आती है और आगे की अगर मैं बात करूं तो किस तरीके से इस प्रोसेस को आगे लेके जाने की आपके लिए प्लानिंग है? थैंक यू मैम। सोच तो मेरे पूर्वजों ने सन 1885 में शुरुआत की थी, इसका 138 साल हो गए हमारे संस्थान को जो आगरा और आगरा के आसपास स्थापित है। शुरू में कृषि वॉज द मेन फैकल्टी, मेन कॉलेज हमारा, हमारा जो संस्थान है आरबीएस कॉलेज वॉज द फर्स्ट कॉलेज इन इंडिया जिसमें हमने कृषि में स्नातक एज इन डिग्री हमने दी है इन इंडिया। अब एज पर डिमांड और चेंज इन एवोल्यूशन, ये कह सकता हूँ कि साथ साथ हम लोगों ने 20 साल पहले मैनेजमेंट कैंपस, इंजीनियरिंग कैंपस और भी मल्टी फैकल्टी कैंपसेज हमने डेवलप किए हैं, और मेरा मेन एम ये रहेगा कि एजुकेशन के साथ साथ
हम ये चाहते हैं कि बच्चों को एक ऑलराउंड डेवलपमेंट हम दें, और ऑलराउंड डेवलपमेंट ही के साथ साथ उनको हम बताएं अपने शहर के बारे में बताएं, और अपने शहर के बारे में इनको सिखाएं कि हम आगरा को साफ स्वच्छ कैसे बना सकें। जी अच्छा, उस बीच एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट हो जाता है कि एजुकेशन में, क्योंकि आप सेक्टर में काम कर रहे हैं, कई सारे युवा आजकल भटकते हुए नजर आ रहे हैं और कई सारी लतों के शिकार होते हुए नजर आ रहे हैं, उस कड़ी में क्या कुछ आपके द्वारा किया जाता है एक ट्रस्टी होने के नाते और एजुकेशन इंस्टीट्यूट चलाने के नाते? जैसे मैंने अभी आपको बताया मैम कि हमारे ये जो 20 साल पहले हमने ये मैनेजमेंट और इंजीनियरिंग कैंपस की स्थापना की थी, एवरी ईयर हमारे इंटेक मैनेजमेंट कैंपस का 400 है और इंजीनियरिंग कैंपस का 700 है, और इन दोनों को मिला के अराउंड 1000 एडमिशन हमको मिलते हैं हर साल, और 1000 में से हर साल हमारा 80-85 प्लेसमेंट्स परसेंटेज प्लेसमेंट रहता है, एज इन 800 से 900 लोग हमारे कॉलेज से जो यहाँ पास आउट होते हैं वो द बेस्ट कंपनीज MNCs या जितनी भी बेस्ट कंपनीज हैं इंडिया की या अब्रॉड की वहां लगते हैं, वहां हम लोगों को प्लेस करते हैं। और साथ ही साथ हम तो करते हैं, साथ ही माननीय योगी जी की सरकार ने आज के दिन हमारे जो गवर्नमेंट एडेड डिग्री कॉलेजेस हैं, पॉलिटेक्निक कॉलेजेस हैं, उनकी जितनी भी हमारी बैकओवर थी, जितनी भी हमारी पेंडिंग टीचर्स की, नॉन टीचिंग स्टाफ की, जितनी भी जगह जो खाली थी उनको भरने का कार्य किया है। ठीक है, अब समीर भाटी जी से मेरा सवाल रहेगा। समीर भाटी जी, गवर्नमेंट के द्वारा वेलनेस सेंटर्स चलाए जा रहे हैं, तो उन वेलनेस सेंटर्स में क्या कुछ एडिशन किया जा सकता है, या फिर क्या प्राइवेट जो सेक्टर है हॉस्पिटैलिटी का, अगर हम बात करें हॉस्पिटल्स का बात करें, वो गवर्नमेंट के साथ इनिशिएट करके क्या कुछ आगे कर सकता है? बिल्कुल बिल्कुल, देखिए गवर्नमेंट के जितने भी प्राइमरी हेल्थ सेंटर हो गए या फिर हम डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स की बात करें, मेडिकल कॉलेजेस की, उनके पास अगर हम देखें तो बर्डन हमारा स्पेशली डिजीज, बात करते थे कि हमारी स्पेशली जो कम्युनिकेबल डिजीज है उनका बर्डन काफी ज्यादा होता था, ट्यूबरक्लोसिस हो गई और सब बीमारियां हो गई, पर अब हमारी नॉन कम्युनिकेबल जो हमारी जीवन शैली से संबंधित बीमारियां हैं उनका ग्राफ काफी ज्यादा बढ़ता जा रहा है, इनफैक्ट उनका कॉन्ट्रीब्यूशन 60% के करीब है, पर अभी भी फिलहाल हम देखें बहुत कम है। हम स्क्रीनिंग करते हैं, प्रिवेंशन पे अभी फिलहाल उतना काम नहीं हम करते हैं जितना होना चाहिए। वेलनेस सेंटर की जैसा आपने बात की, वेलनेस सेंटर के अंदर अभी काफी चीजें एड ऑन हुई है, एक हॉलिस्टिक वहां पर काम चल रहा है, उसमें इवन कैंसर के लिए भी कुछ प्रिवेंटिव मेजर्स लिए गए हैं, जिसमें सर्वाइकल कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर और ओरल कैंसर के लिए स्क्रीनिंग टूल्स अवेलेबल हैं, बट बहुत ज्यादा जरूरी है कि लोगों को अवेयर होना और इन चीजों के लिए सामने आना और लोगों को मोटिवेट करना इस तरह की स्क्रीनिंग टेस्ट कराने के लिए। बहुत सारी डिजीज ऐसी है, स्पेशली अगर हम लाइफस्टाइल की बात करें, जैसे डायबिटीज हो गया, हाइपरटेंशन हो गया, और भी जीवन शैली से संबंधित बीमारियां हो गई, जिनको समय रहते हुए हम पकड़ सकते हैं और उनको प्रिवेंट भी कर सकते हैं। ऐसे ही कैंसर के अंदर की, कैंसर में अगर हम बात करें तो जितना जल्दी हम उसको राइट टाइम पे डायग्नोस कर पाएंगे उतना जल्दी हम उसको ठीक तरीके से क्योर कर पाएंगे, क्योंकि स्पेशली महिलाओं में भी देखें तो लगभग 70% के करीब फीमेल्स ब्रेस्ट कैंसर को लेकर थर्ड स्टेज के अंदर पहुंचती हैं, जहां पर काफी ज्यादा लेट हो जाता है। तो मैं समझता हूं कि जितना ज्यादा हम प्रिवेंशन पे स्कूल के लेवल पे ध्यान देंगे उतना जल्दी हम बहुत ज्यादा जो डिजीज का ग्राफ है, जो डिजीज का बर्डन है, उसको कम कर पाएंगे। तो ये एक रणनीति है जिसको फॉलो करके डिजीज का बर्डन कम किया जा सकता है। अजय जी हमारे बीच में मौजूद हैं, आपसे मेरा सवाल रहेगा, एडीएम है आप, और लगातार जब हम इस कार्यक्रम की बात करते हैं विकास पथ की, तो विकास कार्यों के बारे में बात करना महत्वपूर्ण हो जाता है, आप बता भी रहे थे। अगर मैं आपसे पूछूं 5 विकास कार्य जो आपके द्वारा अब तक किए गए हैं, तो उसमें क्या कुछ होंगे और आगे के 5 विकास कार्य कौन से होंगे फ्यूचर? अभी जो मैंने कुछ प्रोजेक्ट के बारे में बताया वो तो है ही है, शहर के सुंदरीकरण और जो हमारे पर्यटन स्थल है उनके आसपास के ब्यूटिफिकेशन और अच्छी लाइटिंग, डिवाइडर्स और आवागमन के लिए सड़कों का गड्ढा मुक्त होना, ये सब कार्य प्रगति पर हैं और हर स्तर पर बहुत फ्रिक्वेंटली समीक्षा हो रही है और जो जिम्मेदार डिपार्टमेंट्स हैं वो इन पे लगातार काम कर रहे हैं और कई नए प्रोजेक्ट बने हैं जो शहर में दिखाई भी पड़ रहे हैं। अभी G20 कार्यक्रम के दौरान काफी सुंदरीकरण का कार्य हुआ जो बहुत ही परिवर्तन दिखा शहर में,
उसी तरह से उस कार्यक्रम और आगे जारी रहेंगे, ऐसा हमारे हमारी जो सरकार है और हमारे उच्च अधिकारी हैं उनके निर्देश हैं और ये काम हो रहे हैं। जो आपने भविष्य के प्रोजेक्ट्स पूछे हैं उनमें मैं पहले ही बता चुका हूँ, हमारा सिविल इंक्लेव, रेलवे के प्रोजेक्ट्स, हाईवेज के प्रोजेक्ट्स, इंडस्ट्रियल कॉरिडोर और इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर, ये सब हमारे कुछ प्रोजेक्ट्स हैं जो भविष्य में ये धरती पर आएंगे। आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया, आपने बताया किस तरीके से आपका योगदान रहा है और फ्यूचर में क्या कुछ योगदान आपका रहने वाला है। आपका शुक्रिया विकास पथ कार्यक्रम में भारत 24 में अपना समय निकाल कर आने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। और इस बीच जोरदार तालियों के साथ में